इमोशनल फूल बनना छोड़ दो, इसके बारे में आज बात करूंगा। क्या होता है कभी कभी हमको लगता है कि हमने दिल की सुनना या दिमाग की सुनना। दिल की सुनना मतलब इमोशनल होके, इमोशंस में रह के जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी सुनना है या दिमाग की सुनने का है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिल की सुनते हैं, इमोशनल हो जाते, इमोशनल फूल बन जाते हैं, इमोशंस में आके बहुत निर्णय ले लेते हैं। इमोशंस में आके जहां नहीं बोलना है वहां ना बोल देंगे, जहां बोलना है वहां बोल देंगे, जहां ना बोलना है वहां बोल देंगे, जहां ना बोलना है वहां बोल देंगे, उल्टा भी करेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इमोशंस में। और बाद में फिर पछतावा आता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए हरदम मैं बोलते रहता हूं कि भाई इमोशनल फूल बनना छोड़ो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको इमोशनली बहुत चार्ज करते हैं। देखो ना, एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी के ऊपर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खाने के लिए आपको सलाह देंगे, ये खाओ वो खाओ वो खाओ। असली खाते क्या उनके लाइफ में खाना खाते हैं? वो तो मोल तोल के जैसा गोल्ड तोलते ना, सोना तोलते ना, वैसा खाना खाते हो। और हर इधर हमको बताएंगे ये खाओ ये पियो ऐसा करो वैसा करो, मतलब कितना झूठ बोलते हैं। मगर वो सेलिब्रिटी है, आपको इमोशन में लेते हैं, इमोशनली आपको चार्ज करते हैं, आपको बोलते ये खाओ वो खाओ। बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो फलाना फलाना एक्टर ऐसा बोल रहा है, उनके कोई आइडल्स रहते हैं ना, एक्टर्स रहते, सेलिब्रिटी रहते बड़े बड़े, तो वो बोलते हैं करके फिर बच्चे खाना खाने, वो खाएंगे, वो नूडल्स खाएंगे, वो चॉकलेट खाएंगे, वो फलाना ढमाका जो भी कुछ खाना है वो खाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं इमोशनली चार्ज होके। लड़का लड़की नहीं, क्या इमोशनली चार्ज हो जाते हैं? लड़की बोलती है हाँ, इमोशन में आके लड़के को हाँ बोलती है, बाद में उसको पछतावा आता है। बेचारा लड़का गली के चक्कर काट रहा है, उसको लगता है कि अभी उसने तो हाँ बोल दिया है, और वो गली के चक्कर काट रहा है, बाद में उसको लगता है कि मैंने फजूल हाँ बोल दिया है। बाद में फिर आता है कि नहीं नहीं मेरी तो जात ऐसी है, मेरा तो धर्म ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो एजुकेशन ऐसा है, मैंने हाँ बोलना नहीं था उसको, और बाद में वो चक्कर काटते बैठता है। कितने बार हम पार्टनरशिप में किसको हाँ बोल देते हैं? तो इमोशनली चार्ज होकर कभी हाँ बोलना नहीं है। कभी भी डिसीजन लेना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है मैं आपको 48 घंटे में बताऊंगा, जाने दो 48 घंटे, 48 आवर्स, 72 आवर्स जाने दो, आपके इमोशंस डाउन हो जाएंगे, फिर आपका दिमाग काम करेगा और फिर आप अच्छा निर्णय ले सकोगे। नहीं तो क्या होता है कि एक बार हाँ बोल दिया, फिर सामने वाला आपको बोलेगा हाँ अभी आपने शब्द दिया है, आपने हाँ बोला है, अभी चलो करो, फिर आप और इमोशनली चार्ज हो जाएंगे, कह रहे मैंने तो शब्द दे के रखा है, मैंने तो वचन दिया, अभी तो हाँ बोलना, अभी हाँ बोला है तो अभी तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी हाँ बोलना ही नहीं है, बोलना ठीक है मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, मुझे थोड़ा मौका दे दो, 48 घंटे का मौका दो, 72 घंटे का मौका दो, तब तक क्या होगा अपने इमोशंस क्वाइट हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में फिर हम उनको निर्णय दे सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। इसलिए कभी भी ना एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आओ, ना अपने इमोशंस में आओ। कभी कभी गुस्सा, गुस्से में अपन किसको कुछ बोल देते, बाद में लगता है यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था गुस्से में। कभी प्यार में कुछ बोल देते, कभी दुख में कुछ बोल देते हैं। तो ये इमोशंस में आके कुछ भी निर्णय लेने का नहीं है, बस इतना ही आप पालते तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।